ऐसा करो, सबको थोड़ा बाहर एक मिनट के लिए बुलाओ, सबको सर बुला रहे, बोलो सर बुला रहे सबको बाहर। डिस्टर्ब मत करो सर, डिस्टर्ब मत। बुलाओ सबको, बुलाओ ना, एक मिनट के लिए बुलाओ, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं चाटूंगा, एक मिनट चाटूंगा। ये इसे कुछ देखा इसमें? क्या देखा? बताया अच्छा को ब्रेक कर गया और सब कुछ ला। और क्या देखा? तो जो निर्भयता देखा, ऑटो गला वाले डर नहीं देख पाया, नहीं देख पाया। आइंदा ऐसा करना, कहीं भी कुत्ता और कुत्ता का बच्चे लोग हैं, दूर से निरीक्षण करना, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। एक माँ अपने बच्चों को मार्शल आर्ट सिखा रही है, फाइटिंग, फिट फॉर सर्वाइवल सिखाते हैं, दूध पिलाती है फिर फाइटिंग सिखाती है, तो पीछे जाती है फिर आगे आती है, फिर ताई सभा की, आकी सभा की, फाइट, हीट, क्लियर, वो ऐसे पकड़ना है, फिर ऐसे ग्रैप्स करना है, फिर ग्रैप्स करके उसको उल्टा करना है। जैसे कल बताया था, संगीत, नृत्य, कला प्रकृति में चारों तरफ भरा हुआ है, ऐसे याद रखना, धरती का एक और सत्य है, हर क्षण हर पल एक युद्ध चल रहा है, हमारे अंदर भी महाभारत चल रहा है और बाहर भी चल रहा है, फिट फॉर सर्वाइवल, और जो जंगल गए थे वहाँ भी हर क्षण चल रहा है, और चोर पुलिस का खेल, कब शेर पे हिरन भारी तो हिरन पे शेर भारी, कब हैना के ऊपर शेर भारी तो शेर हैना के ऊपर भारी, कभी एक हाथी को सब मिलके अटैक करते हो तो कभी हाथी सबको मिलके अटैक करते हो, तो इसको बोलते हैं जीवन संग्राम। गांव पे जाओगे ना तो गांव वाले जो मिट्टी खोदते हैं, लेबर काम करते हैं, उनका भाषा क्या है जानते हो उड़िया में? चल मट्टी में लड़ना, मट्टी के साथ लड़ना। खेतिहार क्या बोलता है? बोलता है चलो जमीन के साथ लड़ना। प्लांट में, स्टील प्लांट में वर्कर्स क्या बोलते हैं? अब लड़ना है, आ गया वो, ब्रेकडाउन हो गया, शटडाउन हो गया, अब लड़ना है। हर पल हर क्षण कीड़े मकोड़े जीव जंतु मनुष्य दृश्य अदृश्य ज्ञात अज्ञात चराचर जो देखते हो जो नहीं देखते हो, सब कोई युद्ध कर रहा है, सब कोई युद्ध सिखाता है एक दूसरे को, बस इंसान का बच्चा और इंसान का माँ बोलता है तू बेटा हिंजड़ा माइकल जैक्सन बन। एक कुत्ता का पिल्ला डांस सिखा रहा है, फाइट सिखा रहा है, हम डांस सिखाने भेजते, नाचो कमर हिला हिला बाल है सर, और युद्ध सत्य है। अगर 1000 साल का भारत का इतिहास और पृथ्वी का इतिहास अच्छा से पढ़ लो, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये किताब वाला हिस्ट्री नहीं, कॉलेज एंड स्कूल में पढ़ाने वाला हिस्ट्री नहीं, द ट्रू हिस्ट्री अगर अध्ययन कर लो, चाहिए तो मैं दे दूंगा,
कुछ नहीं हुआ है चंगेज खान से लेके अब तक, केवल संग्राम, काट मार हाण मार और उसके सिवा और कुछ नहीं हुआ, और भयंकर से भयंकर हुआ है। एक तरफ जहाँ कॉन्सेंट्रेटेड कैंप, कॉन्सेंट्रेट कैंप देख लेना नेट में, वो एक तो है जर्मन में नाजी लोग कंसंट्रेशन कैंप बनाए, 10 लाख यहूदी या जूस को काट दिए। इधर जापान और चाइना के साथ अभी हुआ, जापान जब चाइना में गया और अटैक किया तो अबव देन 10 लाख गांव का गांव पर डे का प्रैक्टिस होता था कि कितना सर काट सके। एक सोल्जर उतना मतलब अपने को दिखाते कि आज मैं 150 सर काटा, कोई बोलता है मैं 200 सर काटा, मॉन्क्स को भी काटा। अब देख लेना कंसंट्रेटेड कैंप चाइना बाय जापानीज, अनदर फिल्म इज देयर, दो फिल्म है, ग्रेट फिल्म है, देख लेना कैसे वो हुआ। कंसंट्रेशन कैंप के ऊपर फिल्म है, देख लो कैसा कैसा। अब जो जिस बात का सोच रहे हो ना, वो आपका सोच और इमेजिन से बहुत परे है, ऐसे इंसानियत के साथ गिनो ना हर। मैं सब कुछ मुंह खोल के नहीं बोल सकता। फिल्म का नाम क्या? फिल्म मूवी ऑन कंसंट्रेटेड कंसंट्रेशन कैंप, जर्मन बेस्ट, जापान बेस्ट, चाइना बेस्ट फिल्म, देख लो बहुत सारा फिल्म है, 8 या 9 तो बेस्ट फिल्म है, हिंदी डब्ड भी फिल्म है। आप निकालोगे मैं लिंक दे दूंगा, या फिर आप देख लेना, लिख लो खाली फोटो देख लो, फोटो देख के ना रू काम काम सहन नहीं कर पाते। जिंदा आदमी को काट के नो एनेस्थेसिया रिसर्च करते हैं, मेडिकल रिसर्च, तब जाके एलोपैथी मेडिसिन। और जब उस समय सेकेंड वर्ल्ड और फर्स्ट वर्ल्ड के समय उधर नाजी का मानवीयता के प्रति प्रचंड प्रहार, इधर जापान का चाइना के प्रति प्रचंड प्रहार, तब इंडिया में जलियाना बाग होता रहा था, इंडिया में तब जलियाना बाग हो रहा था। तो याद रखना, अगर आप एक योद्धा नहीं बनते हो, एक फाइटर नहीं बनते हो और कापुरुष भीरू बनते हो, अपने को बचा नहीं सकते। अभी यहाँ देश का विषय नहीं है, अपना विषय है। और उस फिल्म में दो हीरो बने हैं, वो दो फिल्म में एक तरफ जापान को, जापान के जो चाइना के ऊपर सबको काट रहा था ना, 800 चाइनीज को बचा रहा है, कैसे बचा रहा है अपना सब कुछ देख, दूसरे तरफ जो नाजियों के साथ हो रहा है, वहाँ एक व्यक्ति जो हीरो है। आज भी अगर आप जाओगे वो स्किंडलर, हाँ, वो उसका सुनोगे ना, आँख से पढ़ोगे ना, रोते रोते रात भर सो नहीं सकते कि एक व्यक्ति अपना सब कुछ, जमीन बाड़ी फैक्ट्री घर द्वार सोना, यहाँ तक कि खुद को बेच के उनको बचा रहा है। हीरो है, वर्ल्ड का हीरो देखना है तो दोनों को देखो, दो वर्ल्ड का बेस्ट हीरो है। त्याग किसे बोलते हैं, फाइटिंग किसे बोलते हैं, वो दोनों को बैठे बैठे देखो। जो आराम से खा रहे हो ना भूंग भूंग करके, लाइफ का स्ट्रगल क्या है समझना। इसलिए लाइफ हैव ओनली वन ट्रूथ, दैट इज फाइट फाइट एंड फाइट इन एवरी मोमेंट, फाइट एट एनी कॉस्ट, फाइट नो फाइट देन फ्लाइट। युद्ध हर तरफ चल रहा है, दिस इज ओनली फाइनल मोमेंट। ये देखा मैं, ये बहुत बचपन पे ना वैसे बैठ के सभी जीव को देखता हूँ, इवन गाय बैलों को भी देखता हूँ, वे भी फाइट प्रैक्टिस करते हैं। और दो कुत्ता देख लेना ना रोड में, कोई उसका माँ हो या उनका लीडर हो, एक फटा टूटा कपड़ा ला के उनको दे देते हैं और उसमें वो दांव पेच करते हैं, उसमें वो लोग फाइट का प्रैक्टिस करते हैं, देख लेना कभी। और बड़ा भयंकर फ्यूरियस फाइट होता है, फ्यूरियस, ये अंदर से घूरेगा, उसको उल्टा आएगा, उसको गिराएगा। बिल्ली बिल्ली भी, बिल्ली का तो और ज्यादा हो, वो अपना पूंछ से अपना बच्चा को सिखाते हैं, बट हम इंसान नहीं करते, यही कमजोरी है जिंदगी। ओके कट जाइए आप।